हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बैंक एग्जाम्स study.com। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कल जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, कल मैंने IBPS PO का मेगा कोर्स जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, कुछ बताया था कि कैसे स्टार्ट करना है। पूरा एक कोर्स चलेगा, 60 दिन तक मैं रेगुलर वीडियोज डालूंगा। तो आज मुझे लगा कि ज़रूरी है कि आपको बताना कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और उस न्यूज़पेपर में से क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि पहले तो न्यूज़पेपर को एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर बैंक एग्जाम्स लाइक IBPS, SBI, इवन फॉर द SSC। तो सबसे पहले कितना टाइम चाहिए एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए? मेरे हिसाब से एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट से एक घंटा जरूरी है। आज सुबह मैं न्यूज़पेपर एक पढ़ के आया हूँ, उसके बारे में बताऊंगा। ये मैं न्यूज़पेपर अभी सुबह पढ़ के आया हूँ, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट थे सुबह। अब कह लीजिए अपना जिम वगैरह करने के बाद लाइक 8:30 बजे मैं घर पहुंचता हूँ एंड 10 बजे मुझे यहाँ पे काम शुरू करना होता है। तो इट वॉज लाइक 15-20 मिनट से ज़्यादा मेरे पास होते भी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो लेकिन मैंने कोई एग्जाम नहीं देना, आपने देना है। तो 30 to 35 आपके लिए 30 minutes to 1 hour मोर देन सफिशियंट है। किसी दिन टाइम नहीं मिला तो 15 मिनट आप दिन में निकालिए तो बहुत है। इट इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज। मतलब अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। वैसे मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, अगर आपके लोकेशन में द हिंदू अवेलेबल है तो वो पढ़िए, वो इससे भी बेटर है। बेटर नहीं कहूँगा, मेहनत ये लोग भी बहुत करते हैं। मुझे पर्सनली पिछले काफ़ी सालों से ये पढ़ रहा हूँ और फ्री में लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। साउथ में वैसे तो हिंदू अवेलेबल है, नॉर्थ में ज़्यादातर जगहों में इंडियन एक्सप्रेस अवेलेबल है, लेकिन बंगाल वाली साइड में या बिहार वाली साइड में ये दोनों ही नहीं मिलते। तो वहाँ पे टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, ये चलता है। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस द हिंदू रहती है हमेशा, सेकंड मेरी द इंडियन एक्सप्रेस, थर्ड द टेलीग्राफ। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स मत पढ़िए क्योंकि बहुत कमर्शियल न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें ज़्यादा एडिटोरियल वगैरह मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। पर्सनली मैं वो रिकमेंड नहीं करता, टाइम्स ऑफ इंडिया या कह लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए बहुत मेहनत करते होंगे लेकिन वो बहुत कमर्शियल है, एडवर्टोरियल्स बहुत होते हैं उसमें, पेड पोस्ट बहुत होती है, एड्स बहुत होती हैं, तो वो चीज़ें मुझे पर्सनली पसंद तो नहीं है। तो उन चीज़ों को आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। तो अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़नी है हेडलाइंस। ये चलिए आपको पहले भी ऑलरेडी आइडिया हुआ है, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। न्यूज़पेपर मेरे पास है, 15 मिनट मैंने पढ़ा है, जो मैं पढ़ा 20 मिनट में वो मैं आपको बताऊंगा और उस हिसाब से एग्जाम से रिलेट करके आपको पहले तो हेडलाइंस पढ़नी होती है। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं तो हेडलाइंस तो ऑब्वियसली आप पहला पेज तो पढ़ेंगे और फिर एडिटोरियल पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पेज थोड़ा सा देख लें ऊपर ऊपर से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडलाइंस, एडिटोरियल और एनीथिंग जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। अभी इस पर मैंने एक प्रॉपर रिसर्च करके बनाया है आर्टिकल, दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये देखिए, ये मैंने एक कह लीजिए मैट्रिक्स बनाया है। यहाँ पे जा रही है नॉलेज, यहाँ पे हायर ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ये लो नॉलेज है, इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक मैट्रिक्स है। कुछ एक आर्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं लेकिन उनमें कुछ नॉलेज नहीं होती। अभी प्रियंका चोपड़ा का जो सीन एक था, वो मोदी साहब से मिले ही और उनका ड्रेस सही नहीं था, तो ये पूरा पॉपुलर हुआ हुआ है पूरा टॉपिक, लेकिन इसमें कुछ नॉलेज नहीं है, एक ड्रेस ही तो है। मतलब लोग उसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर वालों को लिखना पड़ता है। कई बार हम लोगों को भी जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें भी मजबूरी होती है कि ये आप लिखिए क्योंकि ये लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपने अच्छे आर्टिकल पढ़वाने के लिए कई बार हमें जो बहुत पॉपुलर होता है उस पर लिखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। इसलिए न्यूज़पेपर वालों की भी बेचारों की मजबूरी होती है, वो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण के टॉपिक्स पे, KRK के टॉपिक्स पे उन्हें लिखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, मजबूरी समझें, मार्केट है, उनका बिजनेस है एक तरह का, तो उन्हें तो वो चलाना है तो वो करेंगे, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो अभी बात करते हैं इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल का एक मैट्रिक्स बनाया है।
एडवर्टाइजमेंट ना तो इंटरेस्टिंग होती है ना तो उसमें कोई नॉलेज होती है, बिल्कुल अवॉइड करें। अगर मैं ये आज का न्यूज़पेपर भी इसके बाद मैं आज का न्यूज़पेपर दिखाऊंगा, एडवर्टोरियल जिन आर्टिकल्स के पैसे दिए होते हैं दिख जाता है। अगर आप किसी कंपनी को का नाम हेडलाइन में आता है, उसकी तारीफ करी गई है, तो ऑब्वियसली वो पैसे दिए गए हैं उसके। एडवर्टोरियल वेबसाइट्स पे भी आज की डेट में होता है। मुझे खुद को बहुत सारे ऑफर आते हैं कि आप ये हमारी फला फला टेस्ट सीरीज है और हम आपको इतने पैसे देंगे, इसके बारे में अच्छा बोलिए। नहीं, वो आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी है ही नहीं तो मैं अच्छा कैसे बोल दूं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज वाले ये वो आते हैं, छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आती हैं, तो वो गलत है, गलत रिकमेंडेशन नहीं करता। नेगेटिव न्यूज, आपके शहर में कोई क्राइम हो गया है, उसके बारे में डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, शहर में कुछ हो गया, ये हो गया, थोड़ा ठीक है, ये सिटी न्यूज पे भी आ जाता है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन नॉलेज कोई नहीं है। सिटी न्यूज थोड़ा हेडलाइन पढ़ लें, थोड़ा बहुत आपको जो जरूरी है, मतलब इतना उधर न्यूज़पेपर आप वो सिटी न्यूज पढ़ने के लिए तो मत लें। सिटी न्यूज का जो पेज आता है वो आप साइड पे रख दें, वो मत पढ़ें, वो रद्दी आपके लिए। और कंट्रोवर्सीज जो आती है, जैसे वो प्रियंका चोपड़ा वाली है, ये जो छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, तो हेडलाइंस बन जाती हैं, ये मेन फ्रंट पेज पे हेडलाइन बना हुआ है, हेडलाइन पढ़ लिया आपने, छोड़िए आर्टिकल पे 15-20 मिनट अपने खराब मत कीजिए। एंटरटेनमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वही मतलब कंट्रोवर्सीज और एंडेड, ये वैसे रिलेटेड है, दूसरों की कंट्रोवर्सी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ये इससे उनका एंटरटेनमेंट होता है। ये एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, आपने अगले 3-4 महीने, जो 4 महीने हैं अगले, वो आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, ना कि एंटरटेनमेंट करना। उसके बाद स्पोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है और नॉलेज थोड़ी बहुत होती है, ये पढ़ लिया करें। हेडलाइंस ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, जो भी आता है न्यूज़पेपर, कोई भी बंदा लेता है हेडलाइंस वो पढ़ता है, कुछ एक इंटरेस्टिंग होता तो वो भी पढ़िए। एडिटोरियल इंटरेस्टिंग भी होते हैं और नॉलेजेबल भी होते हैं। इसमें ये जिस्ट है, बिल्कुल ये निचोड़ है आपकी, पूरा जो आज जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो पिछले एक हफ्ते का जो भी न्यूज़पेपर है उसको किसी समझदार इंसान ने पढ़ा है, कुछ बहुत ही नॉलेजेबल, जो इंडिया के सबसे ज्यादा कह लीजिए नॉलेजेबल बंदे हैं, नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं या राइटर्स हैं, एडिटोरियल पेज वो लिखते हैं। आपने जो उनको जो भी उनके उन्होंने पढ़ा है पिछले 10 दिन में, वो उसका एक आर्टिकल बनाते हैं, उनकी 10 दिन की मेहनत है का एडिटोरियल आर्टिकल। और बहुत मुश्किल होता है अप्रूव करवाना एडिटोरियल आर्टिकल को, हम लोगों से पूछिए। तो ये इस पे बहुत मेहनत, सबसे ज्यादा जो मेहनत की जाती है वो एडिटोरियल में की जाती है। सिटी न्यूज तो ऐसे ही कचरा है, वो ऐसे ही लिख देते हैं शाम को बैठे बैठे, कोई रीचेक भी नहीं होता, 1515 गलतियां होती हैं एक आर्टिकल में, तो वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं सिटी न्यूज में, ये वो जो नेगेटिव न्यूज है जो जल्दी जल्दी अपलोड करना होता है। एडिटोरियल एक दिन लेट भी हो सकता है, अभी बीफ वैन वाला जो टॉपिक है, ठीक है आज चल रहा है तो कल भी उस पर लिख सकते हैं, परसों भी उस पर एडिटोरियल लिख सकते हैं, तो इसलिए ये चीज डिले हो सकती है, इसलिए 10 बार चेक होती है। तो एडिटोरियल जरूर पढ़े, इंटरनेशनल एडिटोरियल, सब न्यूज पेपर में ये फैसिलिटी नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में है, द इकोनॉमिस्ट के इसमें एडिटोरियल आ जाते हैं, टाइम्स में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी शायद इंटरनेशनल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी HBR वगैरह के रिव्यूज आते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, इवन एडिटोरियल से भी ज्यादा नॉलेज यहाँ मिलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं होता ये, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती क्योंकि आपने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। अभी ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं या इसराइल में क्या हो रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन वो आपकी नॉलेज से बाहर का एरिया है। इसराइल के बारे में अगर आपने कुछ सुना ही नहीं है और उस आपको अगर उसकी सिचुएशन बताने के लिए एक एडिटोरियल आपको मिल गया है तो आप क्यों स्किप कर रहे हैं, आपने उसके बारे में सुना ही नहीं है, आप 5 मिनट लगा के उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको उनका पूरा एक एडिटोरियल पढ़ने का फायदा ही यही है, आपको पूरा उनका सिचुएशन का पता चल जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मेरे पास आज की ये जो है अपने पास आज की मेरे पास ये इंडिया एक्सप्रेस है, तो इसमें क्या क्या सबसे पहले मुझे बोरिंग लगा, सबसे पहली बात ये एडवर्टाइजमेंट, ये देखिए कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, पहला पेज फिर ये दूसरा पेज और उसके बाद शायद अंदर भी इनका एक पूरा फुल पेज आया है, मतलब कहाँ ये दीजिए एक और एड, तो पूरी न्यूज़पेपर में 3 फुल पेज एड है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो ये अपनी फोटो को फ्रंट पेज में, ये CM साहब है, आई थिंक तेलंगाना के लोग बुरा मत मानिए, लेकिन टैक्स पेयर के पैसों से ये 3 फुल पेज एड्स, पूरा इतना बड़ा न्यूज़पेपर है उसकी पूरी फ्रंट पेज पे ये लगाई है और ये तेलंगाना की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, द यंगेस्ट एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट,
मतलब कुछ बंदा कहे कि कोई इवेंट हो रहा है जी, हाँ ये इवेंट हो रहा है 2 जून नहीं सेलिब्रिटी का थर्ड एनिवर्सरी, अभी तेलंगाना की थर्ड एनिवर्सरी है, एक छोटा सा आप आर्टिकल डाल, इतनी सी एड डाल देते तो बहुत है, हमें पता चल जाता कि थर्ड एनिवर्सरी है, ये डाल दिया चलिए एक भी बहुत, अभी यहाँ पे क्यों जरूरत है और इसके अंदर भी एक क्यों जरूरत है, क्या जरूरत थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेलंगाना में न्यूज़पेपर नहीं चलता ज्यादा, ये न्यूज़पेपर ज्यादा नॉर्थ में ही चलता है, नॉर्थ में चलता है या गुजरात वाली साइड में चलता है बस, तो आई डोंट नो व्हाई ये साउथ तेलंगाना जहाँ न्यूज़पेपर चलता भी नहीं है वो क्यों एड इसकी डाल रहे हैं, आई डोंट नो। चाहिए ये हमारा, इन्होंने टाइम खराब कर दिया थोड़ा सा। चलिए उसके बाद न्यूज़पेपर की बात करें, सबसे पहले तेलंगाना वाला तो बिल्कुल ही निकाल दें, ये तो बिल्कुल इन्होंने हमारा बिल्कुल टाइम खराब किया और टैक्स पेयर्स का पैसा खराब किया, तो ये एड तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तीन तीन बड़े बड़े एड्स दे दिए, पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं टैक्स का, सड़कें बनाने को कहते हैं जी पैसे नहीं है। और उसके बाद बीसीसीआई की कोच की कॉन्ट्रोवर्सीज है, कॉन्ट्रोवर्सी है ये देखिए, ये जो फ्रंट पेज है ये देखिए, ये बीसीसीआई गुहा क्विट्स एज बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी बकवास सा एक आर्टिकल है, पूरा हम फ्रंट पेज भरा हुआ है कि कोहली साहब की, विराट कोहली और ये जो मिस्टर गुहा इनका कंट्रोवर्सी है कोच के सिलेक्शन को लेके, तो इसको पढ़ने की कुछ खास जरूरत नहीं है, इस पर अपना टाइम बर्बाद मत करें, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है तो पढ़ लें, एंटरटेनमेंट कर लें। तो उसके बाद आगे बात करते हैं, मोदी एंड पुतिन बायलिटरल टॉक्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आई थिंक इंटरेस्टिंग में भी कई लोगों को ना लगे, लेकिन ये मैंने दोनों जगह पे ले आया, मैं ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये यहीं पे है बायलिटरल टॉक्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपके फ्रंट पेज पे होगा या यहाँ पे थोड़े 6वें 7वें पेज पे है ये, तो ये पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडिटोरियल की, एडिटोरियल में जीडीपी का एक आर्टिकल आया है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया की जीडीपी डीमोनेटाइजेशन के कारण पहले क्वार्टर की सेंक कर गई है 6% के तकरीबन 6.1%, तो इस पे एक आर्टिकल लिखा है किसी ने, अपना ओपिनियन दिया हुआ है, सबको पता है कि इतना जीडीपी हुआ, लेकिन अगर आप इस पे किसी का ओपिनियन पढ़ लेंगे तो वो, अगर आप 3 लोगों का ओपिनियन पढ़ते हैं तो आपका खुद का एक ओपिनियन बनता है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ओपिनियन आपका ओपिनियन कैसे बनेगा, मेरा ओपिनियन कैसे बनता है, मैं रात को सोया और सुबह उठ के आ गया और मेरा एक अपना ओपिनियन बन गया, बिल्कुल भी नहीं, मैं रात को सोया सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर मैं बाहर गया 2 लोगों से बात करी एक टॉपिक पे, और फिर उससे 4 लोगों की बात सुनने के बाद मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने अपना दिमाग लगाया उसके हिसाब से मेरा एक ओपिनियन बनता है, वैक्यूम में कोई ओपिनियन नहीं बनता है। तो ऐसे 4 लोगों का आप ओपिनियन सुनिए जीडीपी पे, लोगों का क्या कहना है, तो फिर आपका एक अपना ओपिनियन बनेगा। उसके बाद काओ एज अ नेशनल एनिमल, इस पे एक एडिटोरियल आया है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, अभी बात चल रही है राजस्थान के हाई कोर्ट के जज, जो रिटायरमेंट वाले दिन उन्होंने बोल दिया कि काओ को नेशनल एनिमल बनाओ, तो स्लॉटर हाउसेस का बड़ा एक चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है कि स्लॉटर हाउसेस बैन हो जाएंगे, ये वो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो ये पढ़ना भी मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत नॉलेज भी है। और ट्रम्प साहब पे, एक डोनाल्ड ट्रम्प पे, यूएस प्रेसिडेंट पे एक आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग छपा है, द इकोनॉमिस्ट और द इंडियन एक्सप्रेस का एक टाई अप है, द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल यहाँ पे प्रिंट होते हैं द इंडियन एक्सप्रेस पे, द इकोनॉमिस्ट है वैसे वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड वो आपको इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सस्ते में आपको उनके आर्टिकल मिल जाते हैं, तो द ट्रम्प के पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, क्या आज की डेट में सिचुएशन है वहां पे, वीजा के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इम्पेशियंस वगैरह का एक इशू बहुत अच्छा उठाया है, तो ये जरूर पढ़ें। और स्पोर्ट्स में मैं, जैसे कि मैं आज देख रहा था, एक मैंने ये एक आर्टिकल देखा, इंडियन हॉकी न्यू गॉस्पेल, स्पीड मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल, स्पीड जो है जी वो मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल, ये आर्टिकल, ये आरसी में आने वाला आर्टिकल है, कुछ एक आर्टिकल ऐसे होते हैं, देखिए इसकी लेंथ भी बिल्कुल एक आरसी की जितनी लेंथ होती है बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेंथ है इसकी,
इंडियन हॉकी में अब कह रहे हैं कि स्किल से ज्यादा स्पीड इंपॉर्टेंट है। कुछ एक क्या कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की इन्होंने स्पीड बताई हुई है कि 10 मीटर या 50 मीटर कितनी कितने टाइम में ये कंप्लीट करते हैं, और उसका एक इन्होंने टारगेट भी सेट किए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी हॉकी इंडिया का क्राइटेरिया कुछ और हो गया है, और अगर कोई हॉकी का प्लेयर स्प्रिंट जो है 50 मीटर अगर 4 सेकंड में भी करता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नॉलेज नहीं है, कोई एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आरसी से रिलेटेड है, ऐसे टॉपिक्स में से आरसी जरूर आ सकती है। तो सिटी न्यूज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है उसमें। एंटरटेनमेंट वाले जो पेज होते हैं वो बिल्कुल भी ना पढ़े, कुछ नहीं है उनमें, वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और जेपी नड्डा की एक इंटरव्यू आई है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज को मिस ना करें। आपको पहले बताया न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात फैक्ट्स जानने के लिए, दूसरा आप कह लीजिए कि ओपिनियन बनाना है आपने, तीसरा रीडिंग स्पीड, और चौथा ग्रास्पिंग एबिलिटी। आप ये आपके गोल्स हैं, आप कहें तो ये आपके गोल्स हैं, आपने ये गोल्स अपने फुलफिल करने हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। फैक्ट्स जो हैं आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आप ध्यान नहीं देना दीजिए फैक्ट्स के ऊपर, आपके फैक्ट्स वैसे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगर मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा तो इसमें सिबल पे एक छोटा सा एक न्यूज आया हुआ है, इस पे आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन उस पे एक आर्टिकल आया कि वो मे बी वो डिफॉल्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में, वो अपना लोन को डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो सेबी पे एक आर्टिकल आया हुआ है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद म्यूचुअल फंड पे एक आर्टिकल था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे। तो इंस्टेंट की आप कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत टेक सेवी हैं, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ें, फैक्ट्स तो आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा उस पर ध्यान देने की। जो ओपिनियन है, अभी जैसे इंटरव्यू आया, इससे जेपी नड्डा का बिल्कुल उनका ओपिनियन उन्होंने बताया कि ये मेरा ओपिनियन है। कुछ गवर्नमेंट की अगर स्कीम आई होगी तो इन्होंने ये भी एक्सप्लेन, गवर्नमेंट की स्कीम भी इन्होंने के बारे में काफी अच्छा बताया इंटरव्यू में। तो ये तो कई बार मैं अपना, अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता तो शाम को या अगली सुबह को मैं पुराना न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू पुराना थोड़ी हुआ है। तो ये इंटरव्यू मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बायलिटरल टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग थी आज के पेपर में, और जीडीपी वाला जो एडिटोरियल था वो बहुत आप कह लीजिए इंटरेस्टिंग भी था, नॉलेजेबल भी था। काउ एज अ नेशनल एनिमल ये भी इंटरेस्टिंग था, ट्रंप वाला जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे था तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और एक इसराइल पे एक कह लीजिए एक ओपिनियन आया था, ओपिनियन आर्टिकल एडिटोरियल में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बाकी स्पोर्ट्स में या कंट्रोवर्सीज या बीसीसीआई की कंट्रोवर्सी, प्रियंका चोपड़ा की कंट्रोवर्सी, तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, कुछ आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली, कुछ ये गॉसिप और चाट मसाला ये जो न्यूज़पेपर में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आप ग्रहशोभा पढ़िए, आप मैगजीन उठाइए कोई 50 रुपए वाली जो सड़क वहां पे मिलती है कहीं पे भी, तो वो उठाइए, मैगजीन पढ़िए अगर आपको मसाला चाहिए तो। मसाला आपको न्यूज़पेपर में मसाला नहीं पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है नॉलेज के लिए, अपना ओपिनियन बनाने के लिए। जो लोग आए सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। उन्हें ये ज्यादा फैक्ट्स पे ध्यान देना होता है, ओपिनियन पे ध्यान देना होता है, स्पीड रीडिंग पे ध्यान देना होता है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे आप अपने एडिटोरियल्स और इंटरव्यूज वगैरह पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम में आरसी सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं तो मोबाइल है आपके पास, डिक्शनरी की ऐप इंस्टॉल कीजिए कोई। सबसे एक मेरे को अजीब सी बात ये लगती है कि लोग ये वोकैब की जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वोकैब एप्स, नहीं क्या फायदा क्या है मेरे को ये बताइए, वोकैब की एप्स पढ़ने का फायदा क्या है? दिन में 5 वर्ड 4 वर्ड आप कैसे याद रख सकते हैं? रट्टा मार लीजिए, अब 4 वर्ड आपने आज रट्टा मार लिए, 5 कल मार लिए, 6 फिर मार लिए, तो हफ्ते के 1 महीने बाद कितने होने चाहिए? कम से कम आप कह लीजिए 150-200 वर्ड्स होने चाहिए ना। आप उन्हीं 200 वर्ड्स से अगर मैं आपको कुछ पूछूं आपको कुछ नहीं आएगा, 2-4 वर्ड याद होंगे, 5-7 बस। आप एक साल में अगर डेली आप 5 वर्ड्स रट्टा नहीं मार सकते, ब्रेन में इतना लोड नहीं डाल सकते। रट्टा मारना इज नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी, क्रैम नहीं करना।
न्यूज़पेपर पढ़िए, फैक्ट्स एंड ओपिनियन पे ध्यान दीजिए, स्पीड रीडिंग कीजिए, और जो जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मोबाइल है आपके पास, डिक्शनरी की एप्लीकेशंस बहुत पड़ी हैं अपने प्ले स्टोर पे और iOS पे, सब जगह डेस्कटॉप पे बहुत है, तो आप अपना वर्ड को सर्च कीजिए और वो देखिए, अच्छा इसका ये मतलब था। डिक्शनरी एप्स बहुत अच्छी हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप खरीद लीजिए, अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो डिक्शनरी एप्स बहुत ऑलरेडी अच्छी हैं, देखिए इसका ये मतलब था, अच्छा ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी एप्स भी हैं आजकल, तो ये सब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। चलिए आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो वीडियोस को देखते रहिए, पहले दो चार दिन आपको आइडिया नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ, कमेंट कीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है ये, ताकि आपको जो अगली वीडियोस है वो मिलती रहे। और अभी बेल आइकन है, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये मेरा ईमेल आईडी है, और अगर आपको नोट्स चाहिए IBPS PO के तो prepkit.bankexamstoday.com पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए। और आपको एक और चीज बता रहा हूँ, IBPS PO का मैंने मेगा सीरीज स्टार्ट किया है कल ही, तो आज उसका दूसरा दिन है, ये एक्चुअली उसी का पार्ट है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। आने वाले दिनों में मैं अभी स्टार्ट करूंगा अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस, या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बेसिक अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इंप्रूव करते हैं, फिर धीरे धीरे फ्रैक्शंस करेंगे, परसेंटेजेस वाला चैप्टर करेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल चैप्टर पहले करेंगे, एक साथ ही मैं पजल पे नहीं जाने वाला, पजल पे बिल्कुल एंड पे जाएंगे, पहले छोटे छोटे चैप्टर्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ताकि आपका एक भी जो इजी क्वेश्चन है वो आप ना छोड़ें। यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने बैठ जाते हैं, इजी करते नहीं। ये सब मैं आपका कवर करवाऊंगा, और सब्सक्राइब का बटन आप आई थिंक ऑलरेडी दबा चुके हैं, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, थम्स अप प्लीज ये कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड मैं ऐसी ही वीडियोस रोजाना डालता रहूंगा YouTube पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।